दुर्ग के वार्ड 42 में इन दिनों पार्षद उपचुनाव को लेकर वार्डों में सरगर्मी नजर आई। वहीं वार्ड प्रत्याशियों के रूप में खड़े प्रत्याशियों ने अपने अपने प्रचार के माध्यम से वार्ड की जनता के हितैषी बन घरों तक पहुंच रहे हैं। वहीं यहां वार्ड की जनता तो कुछ अलग ही कहानी बयान कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। दुर्ग शहर में इन दिनों वार्ड 42 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव होने वाला है, जिसके तहत उपचुनाव का शोर शराबा रविवार की शाम को थम गया। प्रचार प्रसार का अंतिम दिन होने से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति गीते, भाजपा प्रत्याशी कांता साहू और निर्दलीय प्रत्याशी खिलेश्वरी साहू ने अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं को साधने पूरी ताकत झोंक डाली। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति गीते के पक्ष में विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल व कांग्रेस के अन्य नेता वार्ड में सक्रिय रहे, तो वहीं सांसद विजय बघेल, जिला भाजपा अध्यक्ष जितेन वर्मा व अन्य भाजपा नेताओं ने भी वार्ड में सघन जनसंपर्क अभियान कर मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही जनसंपर्क अभियान में निर्दलीय प्रत्याशी खिलेश्वरी निर्मलकर भी कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी से कहीं पीछे नहीं रही। जब हमने वार्ड का दौरा किया तो वार्ड की जनता कुछ अलग ही किस्सा बयां करती नजर आई। और सामने आई एक बड़ी बात, वार्ड की एक अनाथ लड़की जिसके दो छोटे छोटे भाई बहन हैं, उसको पूर्व पार्षद द्वारा अवैध कब्जा पर बनाए गए आवास को किराए पर दिया था, जिसका विरोध वार्ड की जनता ने किया तो उसे वहां से हटा दिया गया। फिर वो लड़की जो लोगों के घरों का झाड़ू पोछा कर काम करती है, उसे दूसरी जगह मकान लेकर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। ऐसे ही वार्ड की समस्या को लेकर वार्ड के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले सुभाष नगर पर रहती थी, जहाँ गीते बनाए हैं, वो रेंट पे दिए थे, 2000 रुपये रेंट लेते थे। प्रकाश भी थे, मैं नहीं जानती उतना, हम लोग को दिए थे, हम लोग को दिवाली के बाद चाहिए। वो बोले कि उनको काम है, भवन बनाना है तो सामान रखना है इसलिए। अभी यहाँ रहती हूँ मैं, गली नंबर 3 पे। मम्मी पापा नहीं है, दोनों का डेथ हो गया। घर पे बस मैं और मेरे भाई और बहन हैं। इस संबंध में चूँकि मैं इस वार्ड का पूर्व पार्षद रहा, वह मकान 3-4 सालों से सुभाष नगर चंद्राकर किराना स्टोर के आगे कलाबाई साहू के घर के पास प्रकाश गीते ने बनवाया है। हम लोग उसकी शिकायतें करके थक गए हैं। जनता बोलना बोल विधायक को और सभी लोगों को, नगर निगम को जानकारी दे के थक गई है। उस मकान को प्रकाश गीते ने, यहाँ की जनता लगातार पूछ रही है कि वो मकान किसका है, किसके द्वारा बनाया गया, किस फंड से बनाया गया है, किस मत से बनाया गया, क्या उपयोग के लिए बनाया गया है, उसको बताने के जगह में भ्रमित करके लोगों को वोट मांग रहा है। ईश्वर उसका ईश्वर न्याय करेगा। उस बिल्डिंग में, उस मकान में वो जिस बच्चों को किराए में दिया था, वो बच्ची जो है जिसके माता पिता नहीं हैं, दोनों स्वर्गवास हो गए हैं, एक बच्ची अपने छोटे नाबालिग भाइयों को बर्तन और रौतइन का काम करके पाल के पोस के उनको शिक्षा दीक्षा दिला रही है, ऐसे बच्चों को उसने किराए में दिया और 2000 रुपये प्रति माह किराया लिया। ऐसा अनैतिक काम करने वाला पोस्टर और बैनर में अपने आप को समाज सेवी बताता, आने वाला समय जनता इनको दिखाएगी। वार्ड 42 में अभी 27 जून को यहाँ पे चुनाव होना है पार्षद का। वार्ड में मूलभूत समस्याओं की बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे, जैसे बिजली, पानी, सड़क, नाली, पेंशन का हो गया आपका, वृद्धा पेंशन का हो गया, ऐसी अनेक यहाँ पे समस्याएं जिसका निराकरण पूर्व में जो पार्षद रहे हैं प्रकाश गीते या उनकी माता जी भी रही हैं यहाँ पे पार्षद, उनके द्वारा यहाँ पे लोगों की मूलभूत समस्याओं का कोई निराकरण अभी तक किया नहीं गया है। जनता बहुत त्रस्त है। साथ ही साथ में इस चुनाव में एक चीज़ ये देखा गया है कि एक सुनियोजित तरीके से
जितने भी विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष को समर्थन देते हैं, चाहे किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं, उनको चिन्हांकित करके बिल्कुल टारगेट से उन लोगों का नाम यहाँ पे काटा गया, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, सदियों से हैं यहाँ पे, जिनके पूर्वज यहाँ पे रहे हैं, है ना, वो ऐसे ऐसे लोगों का यहाँ पे नाम कर, जिसमें हमारे पूर्व पार्षद संजय भैया, संजय सिंह जी का, उनका भी नाम विलोपित किया गया है, आदरणीय डॉक्टर साहब हैं केशव साहू जी, हमारे साहू समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश साहू जी, ऐसे अनेकों सैकड़ों नाम हैं जिनको एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत डिलीट किया गया है कि ताकि ये वोट ना कर सकें। चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। मैं निर्वाचन आयोग से भी ये गुजारिश करूँगा कि किसी भी तरह का यहाँ पे कुछ गलत ढंग से मतदान ना हो ना पाए, फर्जी तरीके से मतदान नहीं होना चाहिए। कल ही एक बात और प्रकाश में आई थी हम लोगों के कि विलोपित नामों की भी पर्ची उन्होंने जानबूझ के प्रकाश जीते और उनके कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे लोगों को दी, वो भ्रमित हो चुके हैं कि हमारा नाम जो है मतदाता सूची में है। मैं ऐसे लोगों से भी मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि जिनका नाम विलोपित में है वो कृपया मतदान करने ना जाएं, उनसे उनका बहुमूल्य समय भी खराब होगा और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी होंगे, इसलिए उनसे भी होंगे। सबसे बड़े सड़क गड्ढे हैं, कुछ एक्सीडेंट भी हुए हैं यहाँ, और ये सिर्फ कांग्रेस शासन में काल में ही ऐसे घटिया रोड का निर्माण हुआ है। रोड को अच्छे होने चाहिए और मूलभूत सुविधाएं वो उपलब्ध हमेशा रहना चाहिए जिसकी कमियां यहाँ है। मेरा भी नाम कटा है, मैं तो 22 सालों से यहीं हूँ। नाम कटा है वो तो अब किस तरह से कटा है तो वो तो नेता जाने और निर्वाचन आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कसारेडी वार्ड 42 के पार्षद पद के उपचुनाव के लिए 27 जून को मतदान होने हैं, जिसका नतीजा 30 जून को आएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के ठीक 4 महीने पहले कसारेडी वार्ड 42 में पार्षद पद के लिए हो रहे उपचुनाव को राजनीतिक चश्मे से भी सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।